हम अपने पैसा को लड़ रहे हैं। हमारे तो सबर रखिए ना, 2024 में मोदी को लाइए, पैसा ले जाइए। लेकिन मर जाएंगे लेकिन अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। वोट दे वोट दे, आपके बनली जो मंत्री एम पेशन क्या पैसों, अरे आप लोगों को राशन दे दिया है उन्होंने, घर दे दिए हैं, और क्या चाहिए। तू क्यों डोना है, तुरबैन ये लिए लिया, तुम घर बैठे तो राशन मिलेगा। किसान भी तो परेशान हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हाय हाय हाय, हमारी खेती गई, हमारे बालक सड़क पर ला दिए। ड्यूटी दो, अरे नौकुल आदमी की ड्यूटी नहीं है, बार बार के बिहार का कोरो आदमी फंसा रखा कंपनी में, हमारी खेती में तो कंपनी बना दी। हमारी जमीन मोदी ने क्यों कब्जा कर रखा, क्यों कंपनी में दे दी, बिल्डोजर ने भेज दे मकान कह के ढवा दिए, कौन जाए अपने बच्चे ने लेके। क्या कह रही है, किसानन को मरो, योगी मोदी किसानन के लिए मरो, सरकार के लिए क्यों बन रहा हो, किसे देंगे, वे तो रंड मुंड आदमी, उन्हें कहा चाहिए, हम तो गृहस्थी। मोदी को आप ऐसे शब्द बोल रही हैं, क्यों ना बोलेंगे मोदी, जब हमारा हक नहीं दे रहा तो मोदी किसानों को सबसे बड़ी जाति बताते हैं और आप ऐसे बोलेंगे मोदी को, मोदी हमारा हक क्यों ना दे रहा था, हमारी जमीन मोदी ने क्यों कब्जा कर रखा, क्यों कंपनी में दे दी, क्यों मोदी ने कब्जा कर रखा है आपकी जमीन पे, और सरकार तो उसी की है, मोदी की तो सरकार है, तो फिर हमारी जमीन ट्रेजिंग में हमारे बिगर मर्जी क्यों मुआवजा बना के हम घेर दिए, मुआवजा क्यों बना के जमीन को घेर दिए हमारी का, जब हमें बूझे नहीं है तो वोट दे वोट दे, आपके बनली जो मंत्री एम पेशन क्या पैसों, तो फिर इतने दावे वादे के साथ कैसे कह रहे हैं कि अब की बार हम ही आएंगे। हाँ, बिल्डोजर ने भेज दे मकान कह के ढवा दिए, कौन जाए अपने बच्चे ने लेके, हमें तो नहीं चाहिए मुआवजा, जो ट्रेन गिर रहा है वो अपने आप ले ले, हमारी जमीन हमें दे देगा। क्या मांगे लेकर अब दोबारा यहाँ पे आंदोलन शुरू कर रहे हैं, हम अपनी जमीन अपना वो लेने आए हैं, और अपनी आबादी बचवाने आए हैं, हमारी आबादी नहीं जानी चाहिए, हमारे पैसा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए हमारे। आप लोगों को दिल्ली तक जाने नहीं दिया जा रहा है, मांगे कब तक पूरी होंगी, फिर दिल्ली जाएंगे कैसे जाए, आपने देखा नहीं पहली बैरिकेडिंग कर दी गई है, जान मर तो जाएंगे, नाम तो हो जाएगा भाई, किसान मर गए अपने हक पे, एक पैर मर के दूसरा थोड़ा मरना, मरना तो है ही हमें, लेकिन मर जाएंगे लेकिन अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं कतई, अपना लेके रहेंगे। जाहिर तौर पर देखा जा सकता है किसान जो है कितने आक्रोश में है, उन्होंने सीधा कह दिया कि मर जाएंगे लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, पुलिस कर्मी यहाँ पे मौजूद है, बैरिगेटिंग पहले ही हो चुकी है, दिल्ली जाने वाला जो ये रास्ता है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, दिल्ली तक नहीं जाने दे, क्योंकि जो किसानों की मांग है वो कह रहे हैं कि संसद का घेराव करेंगे, जमीन दे दो मारना, मार क्या लड़ाई, कुछ भी नहीं मारी तो दे दो, हमारी क्या लड़ाई है, हम अपने पैसा को लड़ रहे हैं, हमारे तो सबर रखिए ना, 2024 में मोदी को लाइए, पैसा ले जाइए, आप लोगों को राशन दे दिया है उन्होंने, घर दे दिए, और क्या चाहिए। तू क्यों डोना है, तुरबैन ये लिया, तुम घर बैठे तो राशन मिलेगा। देख ले कितना आक्रोश दिख रहा है इन लोगों को, मोदी दे दे खाने को, बीबी तू अपने घर बैठ जा। मैं नहीं कह रही हूँ, मोदी कह रहे हैं ऐसा। मोदी क्या कह रहा, जो मोदी कह रहे हैं वही बात आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहा मोदी, मोदी देखिए कितना आक्रोश दिख रहा है इन लोगों में, इन्होंने कहा है कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी बस मांगे पूरी कर दीजिए आप लोग, इन्होंने नहीं को रोजगार नहीं, और जो हमारे चाहिए उसे नहीं दे रहा, तो हम क्या खाएंगे, ये बताओ क्या खाएंगे, हम भूखे मरे, बारका ने भूखे मारे, नहीं जानते अरे क्या करेंगे, घर ही मरेंगे, यही मरेंगे, यही ना जा घर, रोड पे ही रहेंगे, रोड पे सो जाएंगे, हम तो किसान, हम तो कहीं भी रह जाएंगे, हम जब हमें ना लगे ना खेतन में सो जाते हैं, जब हमें कुछ डर नहीं, अब तो पुलिस वाले भी हम भगाएंगे, पब्लिक परेशान हो रही है, हम बहुत परेशान है, दो तीन महीना 5 सालों की धरना लगता लगता, कोई सुनाई नहीं किसी ने कर दिया, हाँ रास्ता बंद तो हमने कर दिया, ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है, अब रास्ता बंद करेंगे, हाँ होन दो कोई बात नहीं, किसान भी तो परेशान है, किसान भी तो परेशान हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हाय 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 हाय, हम रो रहे हैं, सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हम रो रहे हैं, उसके बाद भी 5 साल से सरकार इनकी नहीं सुन रही है, हमारे घर ले लिए हैं, जमीन ले ली है, और हमसे कुछ नहीं दिया जा रहा है, बीच सड़क पे ये लोग पूरे जो किसान है यहाँ पे ये बैठ चुके हैं, किसान महिला जो है यहाँ पे बैठ चुकी है, इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, मैम आप लोगों ने सड़क जाम कर दी है, दिक्कत हो रही है लोगों को,
लोगों को होने दे दिक्कत हो रही, हमको ना हो रही। हम अपने बालक बालकन ने सब ने छोड़ कर हमारी जमीन गई, हमारी खेती गई, हमारे बालक सड़क पर ला दिए। हम बूढ़े आदमी हो, हम बीमार आदमी, चक्कर आ गए हमारे बालकन ने, बीच में रुंध गए, हमारी चीज खोगी कौन की। देखिए देखिए किस तरीके से इनके जो सामान है वो भी खो चुके हैं, लेकिन ये लोग हार मानने को तैयार नहीं, सीधा सड़क पे बैठे हैं। हम बिल्कुल सड़क पर रहेंगे। और हमारा कब तक रहेंगे आप लोग सड़कों पर? हमारा हक नहीं मिलेगा, हमें 10% मिले, हमारे बच्चे ने ड्यूटी मिले, भीमू उनको अपने रोजगार मिले, हम जब तक सड़क पर रहेंगे हमारे पूरी मांग कर दो, हम हट जाएंगे, हमें क्या जरूरत है सड़क पर बैठने। आप लोगों को पूरा यहाँ से जाने तक नहीं दिया जा रहा है, हक की बात तो बहुत दूर की है। हम आगे को हमें बढ़न नहीं दे रहे, तो फिर क्या, ये पुलिस भी तो हमारे बेटा है जो खड़े कर रखे, हमको डंडा बजा दे, हमारा आदमी का चोट लगी, हमारे बच्चे के लगे बैठा दिए पुलिस में, जाएंगे हम थाने में सब जाएंगे। तो यहाँ बैठने से, इस तरीके से सड़क जाम करने से आपको हक मिल जाएगा? हमें हक मिलेगा, क्यों ना मिलेगा, हम सवारी नहीं लिकड़न दे एक भी। अब तक आप लोगों को पकड़ के लेके चले जाएंगे? कौन है? पुलिस वाले। हम नहीं डरते, हम ले चल, हमें खवाओ सही, कोई हमें ले जाने वाला चाहिए पुलिस में को, हमें बैठाओ, हम तैयार है, हमारा हक मिलना चाहिए। बेटा वहाँ भी इंसान ही है, न्यू नाग वहाँ इंसान ना है, कहीं भी ले चलो, हमारे पर बस चढ़ा दो, बस चढ़ा दो, मार दो, हम तो मरने को बैठे हैं, हम तो मरने को बैठे हैं, आप तो हम मरने को बैठे हैं। वो कहता था हम मर जाएंगे, वो भी बढ़िया, लेकिन जाके रहेंगे दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली जाके रहेंगे, दिल्ली शाम हो जाए चाहे रात हो जाए, लेकिन दिल्ली जाके तक खड़ी कर दी। हम पैदल चल चल के आए, हम हार्ट के मरीज है, हम पैसा लगा, वहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं, हम वहाँ से आ रहे हैं, परी चौक से पैदल भी आए, परी चौक से पैदल यहाँ पे पैदल भी आए हम, वहाँ से लिकड़न ने दी बहुत गाड़ी, तो हम पैदल आए, और देख हम यहाँ आ गए, हम दिल्ली क्या रहे हैं, हमको हम तो दिल्ली भी पहुँचेंगे, पहुँचेंगे मुख्य मांगे क्या है आप लोग? मुख्य मांगे ये, हमारे साथी ने छोड़ो, हमारे साथी अंदर है, उन्हें छोड़ो। आपके साथियों को पकड़ लिया है? पकड़ लिया हमारे साथियों के, हमारे घर गम गम में पुलिस जा रही, घर घर में हमारे होई पकड़े बैठे हैं, थोड़े में घेर दिए, हमारे साथी छोड़ो, हमारी मांग करो 10% को दो, हमारे बच्चे इनको ड्यूटी दो। अरे नौकल आदमी की ड्यूटी नहीं है, बार बार के बिहार का कोरो आदमी फंसा रखा कंपनी में, हमारी खेती में तो कंपनी बना दी, और हम सड़क पे घेर दिए, मारी बिल्ली और मारी म्याव और मारी जमीन और मारे बालकों को काम नहीं, मारे बालकों को नहीं भेजी खावे, नहीं कोई कॉलेज नहीं, लड़की इनको कितना डर लगता बाहर भेजते हैं, तो लड़की ने कितना डर लगता है, कोई कॉलेज नहीं, कोई ऐसा, कोई हमको ऐसे बालकों को ग्राउंड नहीं छोड़ा। वो ऐसे ही बोलते कि हमने नौकरी दे दिए, 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 2 करोड़ कहते हैं वो, 2 करोड़ कहते हैं, हमारी जमीन गई, हमारा तो बच्चा घर है, तेरी मेरी ड्यूटी कर रहे हैं, 12-12 घंटा की कर रहे हैं, 24-24 घंटा कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। मोदी जी भी तो 18-18 घंटे काम करते हैं, मोदी जी करता 18 घंटे, तो मोदी जी लोटन पता है, हम क्या करें, उसका औलाद नहीं है, क्या बोल रही है आप, क्या मोदी जी की क्या नहीं है, बच्चे नहीं है ना, उसे नहीं पता नहीं है बालक कैसे पलते हैं, न्यू पतो और का पतो। बोलिए, देखिए किस तरीके से ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम लोग यही बैठे रहेंगे, अपना हक लेके जाएंगे, चाहे सुबह से शाम हो जाए, चाहे हमारे ऊपर बस चढ़ा दी जाए, लेकिन हम अपना हक लिए बिना नहीं जाएंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारा हक मार लिया है सरकार ने, लेकिन उसके बाद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 5 साल से जो है ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो धरना दिया जा रहा है उसके बाद भी नहीं जाने दे रहे हैं। सीधे तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाके रहेंगे, बैरिगेडिंग पहले से ही कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली जाके रहेंगे, चाहे हमें पकड़ के ले जाए। जो किसान जो है वो यहाँ पे बैठ चुके हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पुलिस उनके सामने ही बैठी हुई कि इनको दिल्ली तक नहीं जाने देंगे, पहले से ही इन लोगों ने जो है बैठ के जो सड़क को जाम कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने कहा है कि हम सड़क जाम करके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, चाहे सुबह से शाम क्यों ना हो जाए, हम लोग चल के आए हैं, परी चौक से ये लोग कह रहे हैं हम लोग चल के आए हैं। पुलिस एक जो हमने एक महिला से बात करी, उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी ने उन्हें मारा भी है, किस तरीके से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई दी, उसके बाद भी यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम चाहे मर जाएंगे लेकिन अपना हक लेके जाएंगे, मतलब सरकार जो है इस तरीके की राजनीति कर रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, प्रदर्शन करने तक पे इन पे रोक लगाया जा रहा है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने तक नहीं दिया जा रहा है, पहले से ही बैरिगेटिंग हो जाती है जब ये लोग प्रदर्शन करने को निकलते हैं, किसानों के साथ किस तरीके से बर्बरता की जा रही है, हमने आपको सीधे तौर पर तस्वीरें दिखाई है, महिलाओं से बात करी है। जो हमारा हक है हम अपने हक पर लड़ रहे हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं, न मोदी सु न योगी सु, हमारा हक है वह हक दे दो, जिन किसानों की जमीन ली है 10% 24% और 5% हमारे रुके हुए हैं, और जो हमारे घर हैं उन घर पर नवेड़ा ना वो कर दियो, अपना नाम कर दियो, हमारे कोई नाम नहीं, नवेड़ा दर्ज हो गई,
तो हमारे बच्चे हम कहाँ जाएंगे? या बात तो पढ़ाया हम नहीं पढ़ाया, जेल में काई बात पर जावे हम? कोई गुनाह करा हो तो हम जेल जाने को तैयार है, और जब गुनाह नहीं करा हम काई बात पर जावे जेल? है भाई, क्या कहेंगे सर? यहाँ पे पूरा जो है सड़क जाम कर दी गई, किसानों को जाने तक नहीं दिया जा रहा है। यही तो संविधान की हत्या हो रही है, यही तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जहाँ आम जन की आवाज ना सुनी जा रही हो, कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र की हत्या ही मानी जाएगी। जिस देश में सरकार हमारी आवाज को दबा रही हो, जिस देश में सरकार किसानों की आवाज की दबा रहा हो, नौजवानों की आवाज की दबा रहा हो, नारी की आवाज की दबा रहा हो, बहन और बेटी बड़े बुजुर्गों की आवाज की दबाई जा रही हो और सड़क पर आने को मजबूर हो, उस देश का लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। और खतरे में किसके द्वारा है? वो जिस तरह से अंग्रेज शासन और प्रशासन की आड़ में लोगों की आवाज को दबाने का काम करता था, उसी तरह इस काले अंग्रेज संग्रेजों ने हमारी आवाज को दबाने का काम कर रही है। जिस तरह से आज हम सड़कों पर बैठ के, आज बताइए इस देश लोकतंत्र में आंदोलन की आजादी है या नहीं? हमारा ये मौलिक कर्तव्य है सरकार से सवाल पूछने का, यह हमारा अधिकार है आंदोलन करने का, धरना करने का। लेकिन उसी आंदोलन और धरना को जिस तरह से दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं यह हमारी आवाज को बंद कर रही है। इन्होंने पहले सदन के जनप्रतिनिधियों की आवाज को बंद कर दिया, इन्होंने समझ में आता है पूरी तरह से, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी रैली में जाके करते हैं वन इलेक्शन वन पार्टी, तो वो एक नेता की भी बात करते हैं, और एक नेता का मतलब ये हो गया कि देश के अंदर वो तानाशाही ला रहे हैं, वो विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं। आज जिस नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।